हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं है। कोई ब्लॉग मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिलहाल आज मेरा सारा काम जल्दी ख़त्म हो गया, मैं फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बातें शातें की जाएँ, गप्पे शप्पे मारे जाएँ। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं लाइव जाती हूँ। गाइस, इससे पहले भी मैं 2-3 बार मैंने लाइव वीडियो बनाए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज लाइव वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जब मैं व्लॉग डालती हूँ तो आप लोगों के उस पर कमेंट आते हैं, तो वो कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही सोचकर मैंने सोचा कि चलो आज लाइव चलते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया है, मैं फ्री बैठी हूँ, तो आप लोग का भी काम ख़त्म हो गया होगा, आप लोग भी फ्री ही बैठे होंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा रहने दो, लाइव नहीं जाते हैं। और अगर कभी आगे मैं लाइव वीडियो बनाऊंगी तो उससे पहले मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगी और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं लाइव वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो आप लोग भी फ्री हो जाइए और मेरे से ढेर सारी बातें करने के लिए मेरे लाइव वीडियो पर आइए। तो मैंने सोचा खैर जाने दो, रहने दो, लाइव वीडियो नहीं बनाते हैं, ऐसे ही बैठ के आप लोगों से गप्पे शप्पे मारते हैं, ढेर सारी इधर उधर की बातें करते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरे जो व्लॉग्स हैं, मेरे जो वीडियो हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ देखती हैं। जैसे मैं और आप जैसे हाउसवाइफ हैं, तो मेरे व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ और लड़कियां ही देखती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ ऐसा बताया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ जिनको मैं खुद घर में अप्लाई कर चुकी हूँ, जिनका रिज़ल्ट मैं देख चुकी हूँ, और उनसे मुझे फ़ायदा भी मिला है, और उन चीज़ों का आप भी फ़ायदा उठा सकें, जिन पर कोई खर्च भी नहीं होने वाला है, घर में वो चीज़ें आसानी से मिल जाती। तो फिलहाल अभी ये जून में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ना तो धूप में आजकल बाहर निकलना ठीक है, और ना ही हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अपनी स्किन की, अपनी बॉडी की और अपने हेयर्स वगैरह की इतने अच्छे से केयर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो हमारी स्किन भी बहुत अजीब सी हो जाती है और हमारे बाल भी बहुत ही रूखे रूखे बेजान से हो जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, खैर स्किन पर हमें क्या अप्लाई करना चाहिए गर्मियों में, और हमारी स्किन को चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए क्या अच्छा है, उस बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। आज हम बात करने वाले हैं अपने इन हेयर्स के बारे में, कि हम ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे अपनाएं जो कि नेचुरल हों, जिनमें कुछ बाहर ऐसा कुछ केमिकल वगैरह की मिलावट ना हो, और जो हमारे बालों के लिए अच्छे हों, हमारे बालों को हेल्दी करें, और सबसे बड़ी बात, हमारे इन बालों को झाड़ू जैसा दिखने से बचाएं। सो गाइस, तो सबसे पहले हम अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, कि हमारे बाल हेल्दी हों, लंबे हों, चमकदार हों, और सबसे चीज़ तो हेयर फॉल ना हो, तो इसके लिए हमें सबसे खास और ज़रूरी चीज़ है अपने बालों में हर दूसरे तीसरे दिन बालों में ऑयल से चंपे करनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि मैं तो गर्मियों के सीज़न में बजाज आलमंड हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, या पैरासूट, पैरासूट भी अच्छा होता है, तो ये ऑयल ही मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ। लेकिन सर्दियों में मैं बजाज आलमंड या पैरासूट ऑयल यूज़ नहीं करती, सर्दियों में मैं सिर्फ सरसों का तेल ही अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, वो भी सरसों के तेल में मेथी दाने को अच्छे से पका, अगर मेथी दाना तब तक पकाना है जब तक मेथी दाना अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, मेथी दाने को सरसों के तेल में पका के उसे ठंडा करके मैं एक बॉटल में भर के रख लेती हूँ। और मुझे जब हर दूसरे तीसरे दिन लगाना होता है, तो अपने हेयर वॉश करने से पहले मैं 2-3 घंटे पहले या एक दिन पहले रात में मैं अच्छे से सरसों के तेल और उसमें मेथी दाना पका हुआ, उस तेल से मैं दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है, उस बने हुए तेल से मैं अपने बालों में अच्छे से चंपी करती हूँ, और रियली उसका रिजल्ट इतना बेस्ट होता है। जब हम मॉर्निंग में अपने हेयर वॉश करते हैं तो बाल इतने सिल्की, इतने शाइनी, इतनी सॉफ्ट होते हैं, और छूने में इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है कि जैसे बालों में कंडीशनर किया गया हो, कंडीशनर की भी कमी को पूरा कर देता है, और बाल हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हम ऐसा रेगुलर काफ़ी दिनों तक मेथी दाना और सरसों का तेल अपने बालों में अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे हमारा हेयर फॉल भी कम हो जाता है और बालों में डैंड्रफ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, याद रहे, मेथी दाने की क्वांटिटी ऑयल में कम होनी चाहिए, और सिर्फ सर्दियों में ही इस्तेमाल करना है, गर्मियों में नहीं, क्योंकि मेथी दाना काफ़ी गर्म होता है।
एंड गाइस जो सेकंड टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि मैं आप हम लोगों में से सभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेयर वॉश करने के बाद जब अपने बालों को सुखाते हैं तो टॉवल से लपेट लेते हैं पहले, वो तो ठीक है, लेकिन उसके 10-15 मिनट बाद या एक घंटे बाद जैसे आप लोग करते हैं, हम लोग टॉवल से अपने बालों को बहुत तेज़ से झाड़ना शुरू कर देते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि बालों को वॉश करने के बाद टॉवल लपेट लें, उसके आधे पौन घंटे के बाद आप बालों को टॉवल से झाड़े नहीं, उसे पहले आप हवा में हल्की धूप में अपने बालों को सुखाएं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम गीले बालों को टॉवल से झाड़ते हैं तो जब हम बाल अपने वॉश करते हैं तो जो हमारे ये बालों के पोर्स होते हैं ना, ये ओपन हो जाते हैं और हमारे बालों की जो पकड़ है, जड़ है, कमज़ोर हो जाती है, जो कि बाल झाड़ते वक्त हमारा हेयर फॉल काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हेयर वॉश करने के बाद आप अपने बालों में एक घंटे तक टॉवल अच्छे से लपेट के रखें, उसके बाद हल्की हवा में हल्की धूप में अपने बालों को सुखा लें, और बाल सूखने के बाद ही अपने हेयर में कॉम करना चाहिए। याद रखें, गीले बालों में कभी कॉम ना। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद हम आएंगे थर्ड टॉपिक पे। तो थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि जैसे हम अपने बालों में ऑयल से चंपी करते हैं, मसाज करते हैं, उसी तरह से हमें कभी कभी हफ्ते में 2 बार अपने बालों में एलोवेरा जेल का भी यूज़ करना चाहिए। एलोवेरा जेल 2 तरह का आता है, एक तो ग्रीन होता है और दूसरा आता है केसर का, येलो कलर का। फिलहाल मैं तो पतंजलि का केसर वाला एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो, तब से मैं यही एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। तो एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नेचुरल पत्ती वाला एलोवेरा जेल है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास घर में वो नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप बालों में एक एक बालों को हटा के आप जड़ों में ऑयल की मसाज करते हैं, उसी तरह से आप अपने बालों में हेयर वॉश करने के 2 घंटे पहले आप अपने बालों में एलोवेरा जेल से भी मसाज कर सकते हैं। बालों में अच्छे से एलोवेरा जेल लगा के मसाज कीजिए और 2 घंटे बाद आप बाल वॉश कर सकते हैं। इसका बेस्ट रिजल्ट आपको खुद बाल वॉश करने के बाद दिखाई देगा। आपके बाल बहुत ही सिल्की शाइनी हो जाएंगे, सॉफ्ट। और सबसे बड़ी चीज़ ये, जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इन सब चीज़ों को करने से हेयर फॉल भी रुकता है और हमारे बालों में डैंड्रफ की समस्या भी नहीं होती। अब हम सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हम लड़कियां ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गाइस, मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी, अपने बालों में ड्रायर और स्ट्रेटनर का यूज़ करना। ड्रायर, स्ट्रेटनर, क्रिम्पर, ये सब हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। बट आजकल हम लोगों को क्या है, किसी को कर्ली बाल पसंद होते हैं तो किसी को स्ट्रेट बाल पसंद होते हैं। फिलहाल मुझे तो, गाइस, मेरे बाल थोड़े से कड़े हैं, कर्ली हैं, बट मुझे स्ट्रेट बाल बहुत पसंद हैं और मैं भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बालों में स्ट्रेट यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है, किसी खास पार्टी पे जाना होता है, तो मैं भी स्ट्रेटनर यूज़ करना ही पसंद करती हूँ। लेकिन ये स्ट्रेटनर, ड्रायर, क्रिम्पर, ये हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इनसे क्या होता है, हमारे बालों की चमक चली जाती है, इनकी जो हीट होती है ये हमारे बालों को बिल्कुल अंदर से जला के रख देती है, बालों की चमक चली जाती है और बाल जल्द ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल ये ड्रायर, स्ट्रेटनर, क्रिम्पर यूज़ करने से ज़्यादा बचना चाहिए। अगर आप कभी कभी 15-20 दिन में स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटनर कर्लर। लेकिन अगर यूज़ करते हैं तो कभी भी गीले बालों में स्ट्रेटनर या स्ट्रेटनर क्रिम्पर कभी सीधे अप्लाई नहीं करना है। स्ट्रेटनर यूज़ करने से पहले या तो आप अपने बालों में एलोवेरा जेल का यूज़ करें, बालों में अच्छे से जहाँ जैसे जैसे आपको स्ट्रेट करने वाले हैं जितनी जितनी लेयर, उतने उतने को आपको एलोवेरा जेल से अच्छे से कोटिंग कर देनी है। तो एलोवेरा जेल यूज़ करें, उसके तुरंत बाद फिर स्ट्रेटनर यूज़ करना है। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप हेयर सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर सीरम और एलोवेरा जेल, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। क्या होता है ना कि ये ड्रायर और स्ट्रेटनर से जो हीट निकलती है ये हमारे बालों को बिल्कुल डैमेज कर देती है। तो एलोवेरा जेल और ये हेयर सीरम, ये हमारे बालों को उस हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कभी कभी अगर आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ये मशीनें यूज़ करने से पहले आप एलोवेरा जेल या हेयर सीरम जो भी आपके पास अवेलेबल है उस मौके पर, आप उसका यूज़ ज़रूर कीजिए। अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, ज़्यादा देर तक आपका सर नहीं खाऊँगी। सबसे खास, ज़रूरी और अपने आखिरी टॉपिक पर बात कर लेते हैं, वो है ये कि हमें अपने बालों को हेल्दी और अच्छा रखने के लिए, शाइनी दिखने के लिए, अपने बालों में मेहंदी का भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।
बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जो भी मेहंदी यूज़ करते हैं, मैं कलर डाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेचुरल पत्ती वाली ग्रीन पाउडर मेहंदी की बात कर रही हूँ, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हर 10 दिन में एक बार भी चलेगा। तो फिलहाल मैं तो नूपुर की मेहंदी यूज़ करती हूँ, ग्रीन पाउडर वाली नूपुर की है, और मेरी मम्मी पतंजलि की मेहंदी यूज़ करती हैं, पतंजलि के भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो आपके बालों को जो सूट करता है, मेरे ऑप्शन में तो पतंजलि की ग्रीन पाउडर वाली मेहंदी है, नूपुर है, एंड तीसरी है साइबा मेहंदी। ये तीनों मुझे बेस्ट लगती हैं। इन तीनों में से मुझे जो मिल जाती है मौके पे, मैं वो अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ, और ये तीनों ही मुझे सूट करती हैं। और मेहंदी लगाने का तरीका, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो मेहंदी सीधे ताजे या ठंडे पानी में ही भिगो कर रख देते हैं 1-2 घंटे के लिए, और सीधे बालों पर अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, बस बालों को आपको उनका हल्का सा कलर मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप मेहंदी बालों में अप्लाई करते हैं तो मेहंदी लगाने के जिस दिन आप मेहंदी लगाने वाले हैं उसके एक दिन पहले रात में आप मेहंदी अपनी भिगो दीजिए। और कैसे भिगोनी है, आपको चाय की पत्ती का पानी अच्छे से उबालना है, और उस पानी को ठंडा करके उसमें मेहंदी आपको अच्छे से फेंटनी है। और अगर सिर्फ मेहंदी आपको लगानी है तो आपके लिए 1 नींबू पर्याप्त है, 1 नींबू का रस उसमें मिलाना है, और 1 चम्मच उसमें कॉफ़ी पाउडर मिलाना है, और उसे अच्छे से फेंट के रात में ढक के रख देनी है। और अगर आपके पास लोहे का बर्तन है तो ये तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आप मेहंदी अपनी लोहे के बर्तन, लोहे की कढ़ाई या बाउल हो तो उसमें करके ही रखिए, और रात भर भीगने दीजिए, और मॉर्निंग में ही लगाना है। तो फिलहाल अब इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आप भी पक जाएंगे मेरी बातें सुन सुन के, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, और मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ कि आपको पूरा वीडियो देखना ही देखना है। अगर ये वीडियो आपके मतलब का आपको लगता है, आपको इंटरेस्ट आता है, आप तभी देखिए और तभी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा करने वाले नहीं हैं। गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको ये पसंद आया और लगा कि हाँ ये चीज़ें आपके काम की मैंने बताई हैं, आप घर पे अप्लाई कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि किसको क्या रिज़ल्ट मिला, और मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे इन सब चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है, आपको फ़ायदा हुआ है, और लोग भी इन घरेलू नुस्खों का फ़ायदा उठा सकें। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।